रहीम। ये डायग्राम देख के आप समझेंगे, शायद ये पिछले वीडियो की तरह ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये नहीं, ये डायग्राम तो सेम है लेकिन क्वेश्चन मुख्तलिफ है। ये अ बॉल इज हेल्ड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी बाय मींस ऑफ टू स्टेज स्प्रिंग्स इज शोन। ये बॉल एक हेल्ड किया गया दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान, तथा ये है द बॉल इज फ्री टू ओसीलेट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ए बी। स्ट्रेट लाइन ए बी में ओसीलेट कर रहा है बॉल इस तरह। द स्प्रिंग्स रिमेन स्ट्रेट एंड द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोन स्ट्रेट रहते हैं स्प्रिंग और सिंपल हार्मोन मोशन है बॉल की। द वेरिएशन टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द बॉल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज शोन इन फिगर 3.2। इसके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसकी वेरिएशन दिखाई गई है इस तरह। तो जारी बात है कि इसमें देखूंगा मैं डेटा मुझे क्या क्या मिला हुआ है कि आखिर में जाके मुझे इस्तेमाल होगा। एक तो इसमें आप देखेंगे इसका आपको एम्पलीट्यूड कितना मिला हुआ है एक्स नॉट। एक्स नॉट आप देखेंगे तो ये 1 है, तो ये 7 बॉक्स हैं, तो 1.7 सेंटीमीटर देखें, 1.7 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। अच्छा, उसका टाइम पीरियड अगर आप काउंट करें तो इधर से इधर तक है या इससे इस तक है, तो ये अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बॉक्सेज हैं। तो ये इसका 18 बॉक्सेस का देखूंगा कितना होता है। ये देखिए ये 10 बॉक्स में 0.2 है, तो 18 बॉक्सेस का यानी एक बॉक्स का होगा 0.02, तो इसका टाइम पीरियड जो आता है वो 0.36 सेकंड। ये दो चीज़ें हमें इस ग्राफ से मालूम है, वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पीछे ग्राफ में शायद ना हूँ, लंबा क्वेश्चन है ये। यूज फिगर 3.2 द ओसिलेशन ऑफ द बॉल द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पूछा है उसने, वही 1.7 सेंटीमीटर लिखेंगे। द फ्रीक्वेंसी, इसने फ्रीक्वेंसी पूछी, हमने टाइम पीरियड मालूम किया हुआ है, तो टाइम है तो ये हो जाएगा 1/0.36 यानी यह आता है 2.77। तो मैं इसको आंसर तो 2.77 नहीं आ रहा, हाँ 2.77 ही है, 2.77। तो आंसर इसका 2.77 नहीं लिखूंगा, आंसर इसका 2.8 हर्ट्ज ही लिखूंगा, लेकिन इधर कोर्ट में 2.77 ही करूंगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि ये कहते हैं शो दैट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल इज दिस वन। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन बॉल की ये है, तो सबसे पहले तो जब एफ मिला हुआ है तो हमेशा ओमेगा, तो आप देखें दो चीज़ें आप सिंपल हार्मोन मोशन क्वेश्चन में होनी चाहिए। एक्स नॉट हमेशा इधर 1.7 सेंटीमीटर या 0.017 मीटर है, और ओमेगा होना चाहिए मालूम हमें। ओमेगा मैं इधर करता हूँ, ओमेगा इज इक्वल होता है 2πf के, तो 2 × π की वैल्यू है 3.142, एफ है आपका 2.77 आप लिख दें, तो ये तकरीबन आता है आपका 17.45 रेडियंस, 17.45 रेडियंस पर सेकंड। तो ओमेगा 17.45 रेडियंस पर सेकंड है, इससे आप सारी चीज़ें, अभी एक्सीलरेशन होता है एज इक्वल ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ये प्लस वाला, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 17.45 का स्क्वायर, और एक्स नॉट है 0.017, तो ये जो आती है तकरीबन 5.17 की आती है, तो मैं तकरीबन राउंड अबाउट 5.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन आ गई, प्रूव हो गया। अच्छा, अब ये देखें, यूजर आंसर्स इन ए टू प्लॉट ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 3.3 द वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द एक्सीलरेशन ए ऑफ द बॉल, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का ग्राफ होगा ये, तो हमेशा ये होता है एक्स, ये एक्सीलरेशन ए होता है, इसका नेगेटिव ग्रेडिएंट जाता है ऐसे, लेकिन ये ग्राफ इसके एम्पलीट्यूड से आगे नहीं जाता। अगर ये 1.7 है तो ये -1.7 इधर होगा और ये +1.7 होगा, और ये वैल्यू जो इसमें ये है ये 5.2 होगी, और ये जो है -5.2 होगी। इसको लेबल करें ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टी जो है ये सॉरी एक्स है सेंटीमीटर्स में। तो इसने ग्राफ तो दिया हुआ, यही ग्राफ होगा, मैंने ग्राफ पहले से निकाल के रखा हुआ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, और फिर इसमें भी होता है आप ये देखें कि ये एक्सीलरेशन का दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सिस है, देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सिस, और टाइम आपका ये एक्स इन 10^-2 मीटर दिया हुआ सेंटीमीटर में करके। ये आप पहले स्केल बनाएंगे, स्केल आप 10 का इधर 1 ले लें, 1 ये 2 ये 3 -1 -2 -3 आ गया, ये आप इसको आपको 2, 4, 6 का लेना पड़ेगा, 1 नहीं सकते 2, 4, 6, और ये -2, -4, -6। अगर आप ये पॉइंट देखें तो ये 5.2 है, अगर आप देखिए ये 5.2 कैसे, ये 4 बॉक्स नीचे 1, 2, 3, 4, 5.2, और इधर से भी ये आपका 5.2 ही नज़र आएगा, इधर से भी 4 बॉक्स ऊपर है, ये देखें
1, 2, 3, 4, 5.2, और ये 1.7 होगा। अगर आप ये 7 इधर से काउंट करेंगे तो 17 बॉक्सेस होंगे उधर, और ये स्ट्रेट लाइन मैंने पहले निकाल थी पासिंग थ्रू द ओरिजन, तो ये हमारा ग्राफ होगा। लेकिन ये ग्राफ में कभी भी इसको आप एक गलती न कीजिए कि इसको इधर से 1.7 से बढ़ा न दीजिएगा और इसको ये 5.2 से तक ही जाएगा ये, क्योंकि आगे इससे एक्सीलरेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका है, देखिए नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बार एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब देखिए इसके दो मेथड हैं, ये इसका कहना मकसद है कि एम्पलीट्यूड उधर मालूम करें जहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। पहली बात तो इसके काइनेटिक, आप मैंने फार्मूले बताए हुए हैं कि आप अगर मैंने लेक्चर देखें तो जो आप टोटल जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और ये बेसिकली ये टोटल एनर्जी का होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का एक ही फार्मूला होता है। इसी से याद कर सकते ये वाला होता है, तो ये आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बार टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस जगह पे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, उधर हमेशा ऑलवेज आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, तो आप काइनेटिक एनर्जी फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला इक्वल रखें तो यह आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। आप देखिए 1/2 भी सब में है कैंसिल कर दें, m भी सब में है कैंसिल कर दें, ओमेगा स्क्वायर भी सब में है कैंसिल कर दें, तो बाकी ये बचता है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। तो आप इधर लेके जाएं तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो है बराबर है 2x² के, तो मुझे एक्स, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स नॉट बराबर होगा √2x के, तो एक्स जो आ जाएगा वह आ जाएगा x0/√2 के। तो एक्स नॉट अगर सेंटीमीटर में मांगा है इसने, तो एक्स नॉट तो 1.7 है अपॉन रूट टू, तो ये करें तो ये 1. यानी ये आता है 1.2 सेंटीमीटर इस तरीके से। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है, एक तो देखें ये किया काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर रखा और काइनेटिक मैक्सिमम, और ये काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, देखें आप काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है और पोटेंशियल का सिर्फ ये वाला हिस्सा, तो आप इन दोनों को इक्वल देखें और करें तो आपका ये आ जाता है। अच्छा दूसरा मेथड जो है वो वैल्यूज़ के साथ है, वो भी मैं अब करके दिखा रहा हूँ, वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ये मैं अगर बेटा कि या तो ये मेथड करें, आपकी मर्जी है, या तो ये मेथड करें या तो एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के, क्योंकि मास नहीं दिया गया, तो मास नहीं दिया गया तो एम के टर्म में हम सारी चीज़ें करेंगे, या एम चाहे तो आप वन लेके सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखें सबसे पहले तो देखें मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल मैक्सिमम निकालूंगा, काइनेटिक मैक्सिमम के लिए मुझे वी नॉट चाहिए, वी नॉट जो है वो होता है ओमेगा एक्स नॉट के, ओमेगा की वैल्यू है 17.45, एक्स नॉट ये सारा कुछ पहले मीटर्स में आप करें, यानी मीटर्स में, क्योंकि एक्स आपको बहुत सारी चीज़ें और भी इस्तेमाल करनी होगी, तो ये अगर मीटर्स में करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये 0.17 ये आप करेंगे तो इसकी वैल्यू तकरीबन आ जाती है आपकी 0.29665 वी नॉट की आ जाती है ये मीटर्स पर सेकंड में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फार्मूला निकलेगा वो निकलता है 1/2 m × 0.29665 का स्क्वायर, ये करें तो यह आता है 0.044 m, m मास है।
तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कहता है इसका हाफ होना चाहिए, हाफ है तो इसको हाफ यानी 1/2 × 0.044 m करें तो ये आ जाती है काइनेटिक एनर्जी तकरीबन 0.022 m काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब आप काइनेटिक एनर्जी का जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया तो इससे वी स्क्वायर मालूम करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 m वी स्क्वायर बराबर होगा, उधर स्पीड में मालूम करना चाहता हूँ 0.22 m के, एम एम में कैंसिल तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.044, क्योंकि वो फार्मूला डायरेक्ट वी स्क्वायर का है तो उसमें मैं वी स्क्वायर की वैल्यू रहने देता हूँ, तो वी स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, इसे वैल्यू पुट करें यह 0.044 डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर है 17.45 का स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, आप ये ले लेंगे 0.017 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये 17.45 इसको जाके डिवाइड करेगा और आप ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो आता है वो आता है 0.017 का स्क्वायर, इधर कर रहा हूँ 0.017 का स्क्वायर माइनस 0.044/17.45 का स्क्वायर, ये सॉल्व करें और एक्स की वैल्यू करें तो एक्स तकरीबन 0.012 meters आ रहा है या 12 centimeters आएगा। तो ये भी लंबा मेथड है लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल इन अ सेंस ये है कि आपने पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की एग्जैक्ट वैल्यू एम के टर्म वैल्यू की उसका हाफ कर दिया, वो काइनेटिक एनर्जी आ गई तो उससे वी स्क्वायर की वैल्यू वैल्यू की, फिर फार्मूला पुट किया और इस तरीके से आ गए। ये लंबा मेथड है लेकिन कंसेप्चुअल है, अगर फार्मूला कभी कभी इंसान को याद नहीं होता, फार्मूला याद हो तो वो पहले वाला जो मैंने मेथड किया वो अच्छा है, न हो तो ये ज़्यादा बेहतर है।